राजधानी लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देशन में काम कर रही लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। विभूतिकरण थाने की पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में शामिल सचिन रावत और कहकशा खान उर्फ निशु को धर दबोचा। दरअसल कुछ दिन पहले ही विभूतिकरण थाने में एक डॉक्टर ने इन अपराधियों के खिलाफ अपहरण की FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही पुलिस और ज्यादा सक्रिय हो गई थी। इस गैंग में शामिल फरार अभियुक्तों में आदिल, बलराम, नजर और सना की पुलिस टीम तलाशी कर रही है। इन पर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। फिलहाल लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। लोग सारे सबूतों को खंगाल रहे हैं, इन सभी अभियुक्तों के सोशल अकाउंट्स हम लोग परख रहे हैं, कई अकाउंट्स इनएक्टिव कर दिए गए हैं, लेकिन साइबर सेल की भी इसमें मदद ली जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत सारी चीज़ परत खुलना बचा हुआ है, और आगे हम लोग को और कोई जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से आगे हम लोग उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। मतलब ये बहुत देर से पूछना है। अभी इसके संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।